इसीलिए है कि जो जिसको हम आइकॉन मानते हैं ये बच्चे युवा हमारे राष्ट्र के, और वो कहते हैं कि मुझे गाय का मांस पसंद है, ऐसे लोग जो कहते हैं उनकी हर चीज़ का चाहिए, तो मूवी आई है वो कहीं पर भी कोई और भी करेंगे तो उनका ये आज के युवा पूरा भारतवर्ष उसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है, पूरे भारत में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं प्रदर्शन। तो हम ये चाहते हैं कि रेवाड़ी में सभी ये जो BMG ग्रुप है ये ठीक है, हमारे साथ है, हमारे हिंदू भाई हैं, लेकिन यहाँ के जो मैनेजर या ऊपर से जो ऐसी पिक्चर को यहाँ आउट करने के लिए देते हैं, जो उसमें बैठते हैं उनको ऐसी पिक्चरों पर रोक लगानी चाहिए, सरकार ने भी ये ध्यान देना चाहिए। अभी ये हमारा प्रदर्शन तब तक रहेगा जब तक ये यहाँ से फिल्म ये मूवी बंद नहीं हो जाती, तब तक हमारा ये प्रदर्शन इस तरह जारी रहेगा और इसको हम और ज्यादा बढ़ाएंगे। अनिश्चितकालीन भी बैठ सकते हैं और भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, क्योंकि बात ये नहीं है, हमारा BMG वाला दुश्मन नहीं है, मगर वो हिंदू है और उन्हें हमें हम ही हैं ग्राहक उनके, और जब हम BMG माना बंद कर देंगे तो क्या करेगा, हम ग्राहक हैं और ये युवा हैं सारे, और मॉल में युवा ही आते हैं, तो मेन बात हमारा उनसे कोई नहीं है, मेन है ये जो फिल्म है जो गौ हत्यारों की है। अगर एक छोटी सी फिल्म आई थी जिसका नाम था रंगीला रसूल, वो आज तक मीडिया में क्या कहीं भी रिलीज भी नहीं हो पाई है, जरूरत के पास। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारी कोई फिल्म आ जाओ जब भी रिलीज हो जाती है, हमारा कोई इन लोगों का मतलब क्या सिस्टम हो गया है ये। कल हम इनसे भाईचारे की तरह से कहा था कि भाई साहब ठीक है 3-4 दिन हो गए अब आप बंद कर लो, अरे नहीं करेंगे बंद, तो अब हमारा यही है कि भाई फिल्म को बंद की जाए बस। अच्छी तरह